गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आज मैं ऐसा वीडियो शूट कर रहा हूँ, कभी बात नहीं किया था ऐसा कि आज बात करो। ये मैकेनिक का काम क्यों सिखाऊँ? ठीक है, 2003-04 जब कॉलेज में ड्रॉप आउट हुआ, कॉलेज ख़त्म हो गया हमारा, जब हमारे भैया के साथ स्क्रैप रिसाइकलिंग का बिजनेस में जुड़ गया था, ठीक है, वहाँ से हमारा स्क्रैप का डीलिंग अच्छा था, अच्छा खासा पैसा, भैया भी अच्छा खासा पैसा दे रहे थे और कपड़ा गाड़ी सब ठीक है। तो वो एक कॉलेज लाइफ छोड़ के एक बिजनेस में आए, तो वो भी बिजनेस जान लिए थे, बहुत अच्छा बिजनेस है स्क्रैप का, ठीक है। तो मेरे को उधर से निकलना पड़ा बाहर, जब शादी होने का जो टाइम आ गया था उस टाइम पे हम सोचे कि हमारा खुद का जो बिजनेस हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे नाम से जो भी शुरू करना है, मैं ऐसा सोच के शुरू किया, ठीक है। तो इसमें हमारे भैया और फैमिली वालों का इन्वॉल्व नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीजन है। तो कैसे कि बाहर निकल गया, ठीक है, जीरो बंडवाल था पूरा, खाली गाड़ी था पूरा भेज दिया, पूरा कंप्लीट जीरो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम सोचे कि बिना बंडवाल का, बिना इन्वेस्टमेंट का, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट चलेगा, ये एक धंधा ऐसा पकड़ना जो मन में आया, ये मैं तो जीरो नॉलेज, जीरो कंप्लीट कुछ नॉलेज नहीं, पाना कितना नंबर का आता है, कि कैसे काम करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, नहीं। लेकिन आज मैं एक बेहतरीन मैकेनिक बनाऊँ, उस दिन सोचा था मैंने मैं मैकेनिक बनूँगा, एक ना एक दिन ये काम हमारे को साथ देगा। जब हम बुरी हालत में रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, ये काम हमारे को मुझे बचा सकती है, ऐसा सोच के सीखा था। आज कंप्लीट मैकेनिक हो गया हूँ, वही सोच के रखा था, ऐसे ही पूरा परफेक्ट हो गया, मेरा बिजनेस गया, मेरा बंडवाल गया, और बीच में ट्रेडिंग में 10-12 लाख रुपए गए, पूरा टोटल नील होके इधर केरला में आके सपड़ गए। इधर भी मैं 1-1.5 साल काम किया, फिर भी बंडवाल नहीं पाया, पूरा कैपिटल चला गया शेयर मार्केट के पीछे बैठ के, पूरा लास्ट में क्या हमारे को साथ दे रहा बोले तो, जो स्किल्स सीखे हैं, जो स्किल्स जो मैं दिल से सीखा हूँ, वही आज मैं कर रहा हूँ। इसमें से थोड़े पैसे करके हमारे बच्चों के लिए खाना खा रहे हैं, घर का देख रहे हैं, सभी का देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक वीडियो, ये एक ऐसा वीडियो है मेरा लाइफ चेंजिंग का जो स्टेप होता है वो ये वीडियो है, ये आप आगे चलते चलते आपको पता चल जाए। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे काम सीखा हूँ इसमें, ऑनलाइन के थ्रू या किसी का देख के, या बहुत सारे वीडियो एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी ट्रेडर बन गया हूँ 80%, और मैं एनिमेशन का कोर्स किया हूँ, वो भी नॉलेज है, वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, वो भी नॉलेज है। बेहतरीन, सबसे बेहतरीन काम ये जो मैकेनिक का काम जो मैं मानता हूँ, ये भी हाथ में है, ठीक है। तो इतना सब स्किल्स रह के मैं क्यों ऐसा हो गया हूँ, थोड़ा सोच के देखो। बहुत सारे लोग नहीं है इस चैनल में ट्रेडिंग के बारे में बात करना बोले तो, लोग बहुत कम है, ठीक है। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मोहम्मद अली, मेरा नाम है मोहम्मद अली, और एक मैं टू व्हीलर मैकेनिक, और अभी ट्रेडर बन गया हूँ। मैं अपने आप को ट्रेडर बन गया महसूस हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडर बन गया क्यों, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एक टू व्हीलर मैकेनिक, अभी ट्रेडर। सबके लिए सब चंद ख्वाहिशात रहते हैं अपने लिए और फैमिली के लिए, जो सपना रखे रहते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदना, अच्छा घर खरीदना, अच्छा कार रहना, अच्छा वॉच खरीदना, ये सब ख्वाहिश हमारे में है, ये सब करना बोले तो, ये माहौल में ये टू व्हीलर जो मैकेनिक का काम है, वो जो सपना उतनी दूर तक पहुंच नहीं सकते, इसीलिए ये साइड से एक बिजनेस, ये ऐसा बिजनेस वहां तक पहुंचने की
100 नहीं 1000% इसमें चांसेस है, ठीक है। जो सपने हैं वो पूरा करना है, ये ट्रेडिंग का एक ही आपका रास्ता, जो रास्ता है उधर पहुंचने तक ये ट्रेडिंग से ही हो सकता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये ट्रेडिंग क्या है, ये आज का वीडियो टॉपिक इधर से शुरू करता हूँ। ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है समझ लो, ये कार्बोरेटर है, ठीक है। बाहर का पूरा जो भी ये पुराने चीजें दिखते हैं गाड़ियां फोड़ के, इसको समझ लो मार्केट, ठीक है। जो हमारा NSE और BSE वैसा सब है, उसमें हजारों की कंपनियां मिलके एक एक ये प्लेटफॉर्म और एक सर्वर रहता है जो लेवा देवी करते, ठीक है। तो वो बात बाद में बात करते, तो समझ लो एक कबाड़ खाने का एक मार्केट है, हाँ मैं जाके पूछता हूँ ये कार्बोरेटर कितने में मिलेगा, ठीक है। मुझे मालूम है मार्केट ये इतने में मिलेगा, 50 से उधर उधर होता, लेकिन अगर रेट एडजस्ट हो गया तो मैं खरीद लेता हूँ। ये एक्चुअल इसका रेट जो है मार्केट का रेट जो 400-500 इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उधर से खरीदता हूँ और कस्टमर को 100 रुपया और 50 रुपये पेट्रोल का मिला के 100 रुपये मुनाफा रखता हूँ। कितना हुआ समझ लो कि 500 में खरीदा, 650 में कस्टमर को बेचता हूँ, ठीक है। ये खरीद लिया मैं 500 में, कस्टमर को बेचा 650, कितना फायदा हुआ 150, उसमें 50 रुपये पेट्रोल का गया, 100 रुपये फायदा हुआ। यही ट्रेडिंग, कम दाम में खरीदते हैं ज्यादा दाम में बेचते हैं। इसमें और एक है शॉर्ट सेलिंग, पहले सेल करते बाद में खरीदते, उसके बारे में बाद में बात करते, कंफ्यूज हुआ था कि ट्रेडिंग क्या है। ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फोरेक्स, हमारा जो NSE, सब में भी यही बोलते हैं ट्रेडिंग, लेवा देवी, ट्रेडिंग आगे लेवा देवी, कम दाम में लिए ज्यादा दाम में बेचे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि इसमें एनिमेशन नहीं है, इतना पड़ी वीडियो खरीदना ऐसा कुछ नहीं है, मुंह बोल रही स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ। ये ट्रेडिंग क्या है, लेवा देवी, कम दाम में लिए ज्यादा दाम में बेचे, ये वीडियो बनाने का कारण यही ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। छोटा सा स्टोरी टेप बना रहा हूँ, जो भी मैं काम करते हुए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको पसंद रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग बोले तो ये सीखने वाले के लिए यही लेवा देवी, कम दाम में लिए ज्यादा दाम में बेचे, ठीक है। तो अगर ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोस आपको फॉलो करना है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, आपके जो ट्रेडर्स हैं जो नुकसान करके बैठे हैं उनको भी साथ में लेके आओ, शेयर करो, ठीक है, साथ में मिलके चलते हैं। आज के लिए इतना काफी, डेली वीडियोस ऐसे अपडेट करते रहता हूँ, मेन मेन चीजें लेवा देवी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़।